पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन भी किया। लखनऊ स्थित विधानसभा के सामने भी सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी एकत्रित हो गए। विधानसभा के सामने आते ही पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक उठाने की कोशिश की, जिस पर सपा कार्यकर्ता नहीं उठे। जब वे नहीं उठे तो वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस लाठियां भांज रही है। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं की सड़क पर लिटा लिटा कर धुनाई की, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। प्रदर्शनकारियों को हजरतगंज कोतवाली भेजा गया है। प्रदर्शन के मद्देनजर विधानसभा की तरफ से गुजरने वाले मुख्य रोड पर जाम लग गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हरदोई में भी सपा नेताओं ने कलेक्टर भवन पहुंचकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाने की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। सपा नेता मुजीब खान ने सहयोगियों के साथ मिलकर कई गाँव में साइकिल रैली निकाली। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में जनविरोधी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कल किया गया था, और आपने देखा भी होगा कल हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और आज भी हम लोग और पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर गांव-गांव जाकर हम लोग यही बताने निकले हैं कि जन विरोधी सरकार ये किसान विरोधी सरकार है। पेट्रोल डीजल महंगाई तोड़ कमर तोड़ कर रखी है, अर्थव्यवस्था चौपट कर रखी है। हरदोई में सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि यूपी सरकार गन्ना किसानों का 20,000 करोड़ रुपए भुगतान जल्द करे, सरकार पेट्रोल डीजल के दाम वापस ले। पूर्व सांसद उषा वर्मा ने कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों से किसानों और जनता के साथ अन्याय हो रहा है। MLC डॉक्टर राजपाल कश्यप ने केंद्र व राज्य सरकार से डीजल व पेट्रोल के दाम घटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानपुर की छात्राओं का शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए। वहीं उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली शहर में महामारी और धारा 144 के उल्लंघन में 11 लोगों पर नामदर्ज FIR की गई है। जब से BJP सरकार आई है केंद्र में और राज्य में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हर चीज के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल जो कहते थे 35 रुपए में बिकेगा, आज वो डीजल का मूल्य पेट्रोल को क्रॉस कर गया है। ये दुनिया में पहली बार, और दुनिया में जब क्रूड ऑयल का सबसे सस्ता है तब भी यहाँ दुनिया से सबसे महंगा तेल हिंदुस्तान बिक रहा। BJP टैक्स लगा के लूटने का काम गरीबों कर रही। डीजल और पेट्रोल 80 रुपए पहुँच गया, और ये कहते थे 35 रुपए में गैस सिलेंडर हजार को क्रॉस कर जा रहा, और किसान आत्महत्या कर रहा। लॉकडाउन में फसलें नष्ट हो गई, कितने लोग श्रमिक रास्ते में मर गए, उनकी भी मदद करने का काम नहीं किया। केवल समाजवादी पार्टी लगातार इसको मुद्दे को उठा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी लॉकडाउन के दरमियान जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोग रास्ते में श्रमिक मरे उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया है, जो लोग परेशान हैं उनको भी मदद करने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी। और समाजवादी पार्टी लगातार पूरे लॉकडाउन में भी लोगों को, गरीबों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, सब तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं लगी रहीं। BJP का कोई नेता नहीं निकला। BJP केवल झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, और वर्चुअल रैली करने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च करती है, और झूठ का पर्चा बांट रहे हैं। कहीं भी कोई काम मदद करने का काम BJP हर मोर्चे पे विफल है। महिलाओं बच्चियां संरक्षण गृह में सुरक्षित नहीं है। आप कानपुर में देख लीजिए, लगातार बलात्कार, हत्याएं, लूट, डकैती, डाका बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। जंगल राज, योगी राज में जंगल राज कायम है, और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और ज्ञापन दिया है यहाँ से महामहिम राष्ट्रपति को और राज्यपाल को कि ये डीजल पेट्रोल और किसानों की जो आय दुगनी करने की खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।